वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस वर्ल्ड। सो देखिए चंदन का हालत क्या हो गया है। वॉक करो चंदन, दिखाओ कैसे हालत हुआ है तुम्हारा। बेचारा चल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहे हो बताओ? मैं क्रिकेट प्रैक्टिस जा रहा हूँ ना, सिटअप्स करवा दिया इसीलिए पेन हो गया। सो सैड ऑफ चंदन। चंदन क्रिकेट अकेडमी जा रहा है क्रिकेट सीखने के लिए, मगर उधर जाके उसको इतना एक्सरसाइज कराए हैं, बेचारा अभी सीढ़ी में जाना मुश्किल हो गया उसका। So guys, अभी देखो श्रेया दीदी पूजा कर रहे हैं। हाँ ना श्रेया दीदी, पूजा हो गया? हो गया पूजा। कोई कोई जो लड़का लोग होते हैं ना वो बदमाशी करके कौन सी करते। तो फ्रेंड्स ये था आंटी का पूजा घर, और देखिए आंटी ने और चंदन की मम्मी ने कितने अच्छे से सुंदर से सजाए थे भगवान जी को। उनके घर में गणपति जी लाए थे और बहुत अच्छे से घर पे ही पूजा किए थे। बहुत ही अच्छा था, प्रसाद भी बहुत अच्छे से लगाए थे, और मैं आई थी देखने। खाना बनाया हो हमारे लिए? हाँ, ये कड़वू है। क्या ये? कड़वू। कड़वू और ये सेमिया है। इसको थोड़ा ओपन करो, ये भी दिखाते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट यही लग रहा है, टेस्ट भी क्या अच्छा है ये। और ये कड़वू। और चंदन बताओ क्या क्या बनाए। हाँ, ये है उसके साथ मिला कर खाना सेवई। ओके, ये और ये राइस। राइस नहीं, पुलाव। राइस राइस ये पुलाव। अच्छा है, अच्छा है। उसको नहीं ओपन मत करो। बस 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 रहने दो, रहने दो, इट्स ओके। स्मेल्स गुड। चंदन तुमने बताओ क्या क्या प्रिपेयर किया? मैंने सलाद प्रिपेयर किया। हाँ, रायता प्रिपेयर किया। हाँ, ये वाला प्रिपेयर किया। और ये वाला बस बस बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसे चंदन बनाया है। एक कड़बू है और चंदन इसको खुद सजा के लेके आया है प्लेट में हमारे लिए। किसमें से बनता है बताओ? राइस फ्लोर एंड राइस फ्लोर एंड हाथ में से बनता है। हाथ में बनता है, कोकोनट से नहीं बनता है। राइस 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 फ्लोर। हाँ, ऐसे रिचुअल है कि उनके घर में सेम डे में पूजा होता है, और बाय इवनिंग और मतलब सनसेट से पहले ही भगवान जी को विसर्जन कर देते हैं, और खुद से ही विसर्जन करते हैं, और खुद से ही पूजा भी सब खुद से ही होता है। क्योंकि मैं हमारे साइड में देखती हूँ कि पंडित जी आते हैं
प्रॉपर पूजा होता है और 2-3 दिन के बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। अगर इधर उनका कुछ डिफरेंट रिचुअल्स टाइप का कुछ है जो कि हमेशा फॉलो करते हैं, तो इधर घर में ही हम लोग विसर्जन कर रहे थे और मैं भी पहले बार देखी कि घर में ऐसे सब होता है। ये भी हमारे लिए, मेरे लिए तो पूरा न्यू था और मैं भी विसर्जन में थोड़ा पार्टिसिपेट की थी और अच्छा लगा। गणपति बप्पा को हम सेम डे में ही लाए और सेम डे में ही उनको विसर्जन कर दिए। तो हाउ होप सो नेक्स्ट ईयर गणपति बप्पा जल्दी आ जाए और बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद लेके आए और सबके लिए सब कुछ अच्छा हो। तो फिर फ्रेंड्स आगे आगे बने रहिए, देखते रहिए हम लोग कैसे विसर्जन किए थे और क्या क्या किए थे। सो फ्रेंड्स हम लोग गणपति भगवान जी को तो विसर्जन दे दिए और हम लोग चल पड़े थोड़ा पार्क घूमने के लिए। और पार्क में जाने के बाद हम भी डॉगी मिला था और चंदन जाके थोड़ा उसके साथ खेल के आ गया। हमारा गणपति सेलिब्रेशन ऑलरेडी डन हो गया और हम करते हैं विसर्जन भी। और विसर्जन के बाद हम आगे पार्क में घूम रहे हैं। घूमने के बाद हमारा ब्लॉग इधर ही खत्म हो गया। सो चंदन क्या बोलना चाहिए अभी बता दो। बताओ। मुझको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगा था चंदन लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बोल के वीडियो ऑफ कर देगा, मगर वो मुझे धोखा दे दिया और मैं लगी पड़ी थी झूला झूलने में और मुझे फिर से उसके लिए शूट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।